नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है ताहिर हुसैन को लेकर। आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन एक तरफ जहां पुलिस के शिकंजे में है, तो वहीं अब ताहिर हुसैन के भाई के बारे में भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, ताहिर हुसैन के भाई ने क्या कर दिया है, यह चौंकाने वाला खुलासा क्या है ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताएं कि ताहिर हुसैन को क्या सजा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को हॉक फीड न्यूज टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल आपको बताता हूं कि खबर क्या आ रही है। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24-25 फरवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। और खबरें ये आ रही हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में अब क्राइम ब्रांच की नजरें आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के भाई पर भी हैं। यानी अब ताहिर हुसैन का भाई भी अब शिकंजे में आने वाला है। आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन वही व्यक्ति है जो भगौड़ों की तरह दिल्ली पुलिस से भागता रहा और वीडियोज में यह कहता रहा कि मैं तो बेकसूर हूं, और जिस पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, इसके अलावा दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है ताहिर हुसैन पर। आम आदमी पार्टी का यह पार्षद था, हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने दिखावे के लिए इसको निलंबित कर दिया। लेकिन अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और संजय सिंह ताहिर हुसैन के पक्ष में खड़े नजर आए। और बेशर्मी की हद तो यह कि अमानतुल्ला खान ने तो एक दिन यह भी ट्वीट कर दिया कि ताहिर हुसैन मुसलमान है, इसकी सजा भुगत रहा है। वारे अमानतुल्ला खान, इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश में मुस्लिम उपराष्ट्रपति बन सकता है। यह वो देश है जहां वीर अब्दुल हामिद पैदा होते हैं, यह वो देश है जहां पर मुस्लिमों को बराबर से बराबर का दर्जा दिया जाता है। और यह अमानतुल्ला खान कहता है, अमानती गुंडा कहता है कि ताहिर हुसैन इसलिए सजा काट रहा है क्योंकि ताहिर हुसैन मुसलमान है। अबे चपड़ गंजू, ताहिर हुसैन के घर से, ताहिर हुसैन के घर से ही जो सामान था, मलवा, ताहिर हुसैन के घर की छत से मिला। ताहिर हुसैन के इमारत में एक लड़की के कपड़े मिलते हैं जले हुए। ताहिर हुसैन खुद को बेकसूर जरूर बता रहा है कि मैं तो दिल्ली पुलिस के साथ 24 फरवरी को ही निकल गया था, और उसके बाद 25 फरवरी को भीड़ जो है वो मेरे घर में घुस गई और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन मित्रों, सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे दिल्ली पुलिस ने अब तक इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया कि ताहिर हुसैन हमारे साथ निकल गया था। ताहिर हुसैन के घर पर भीड़ घुस जाती है, ठीक है, ताहिर बिल्कुल बेकसूर है, फिर वे भगौड़ों की तरह भाग क्यों रहा था? क्या इस बात का जवाब दे पाएगा अमानतुल्ला खान? लेकिन सवाल यह कि हर चीज को हिंदू मुसलमान बना दो और कह दो वो तो मुसलमान है, इस वजह से फंस रहा है। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस एक एक को नहीं छोड़ने वाली। गृहमंत्री अमित शाह के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, एक एक दंगाई को गिरफ्तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और अब आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन ही नहीं, उसके पूरे घर पर भी नजर है दिल्ली पुलिस की। और इसी मामले में ताहिर हुसैन के भाई पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद ताहिर हुसैन के भाई की भी तलाश है दिल्ली पुलिस को। आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी जिले में हुए दंगे के आरोपित और पार्षद ताहिर हुसैन के मैनेजर तारिक रिजवी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके अलावा तारिक के दो साथी पिता और पुत्र, इनको पुलिस ने न्यायिक हिरासत और जेल में न्यायिक और पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रविवार को कोर्ट ने तारिक के साथी रियासत अली को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जबकि उसके पिता लियाकत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी बेटे को पुलिस हिरासत में, बेटा खुलासे करेगा पुलिस हिरासत में जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, और पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये दोनों तारिक के साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो तारिक का मैनेजर था उसको जमानत दे दी गई है। लेकिन आपको बता दूं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार की कोर्ट में रविवार को क्राइम ब्रांच ने रियासत और लियाकत को पेश किया, और इसी दौरान तारिक के वकील ने जमानत अर्जी लगाई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रियासत और लियाकत 24 और 25 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुई हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन की घर की छत पर मौजूद था, और इन दोनों ने छत से लोगों पर पथराव किया और गुलेल से लोगों के घरों पर पेट्रोल बम भी फेंके। अब ताहिर हुसैन यह कहता है कि मेरे घर पर एक भीड़ ने कब्जा कर लिया,
लेकिन मित्रों सवाल यह उठता है कि ताहिर हुसैन के घर पर लियाकत और रियासत बरामद होते हैं। ये दोनों सीधे सीधे ताहिर हुसैन से संबंध रखते थे, पिता और पुत्र हैं, तो फिर ताहिर हुसैन की मर्जी के बिना ये लोग आखिर पहुंच कैसे गए? और जिनका ताहिर हुसैन से संपर्क है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मित्रों, चिंता नहीं। और ताहिर हुसैन जिस तरीके से झूठ बोल रहा है, लगातार खुद को बेकसूर बता रहा है, तो इसका भी खुलासा हो जाएगा। आपको बता दूं कि इन दोनों ने छत से लोगों पर पथराव किया था और गुलेल से पेट्रोल बम फेंके थे, जबकि रिजवी ने ताहिर के साथ मिलकर इलाके में दंगा भड़काने में उसकी मदद की थी। यह दिल्ली पुलिस का कहना था कोर्ट में। पुलिस ने रिजवी पर ताहिर के साथ मिलकर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा पुलिस ने आगे कहा कि रियासत, लियाकत और रिजवी ने ताहिर के साथ मिलकर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई और हिंसा के दौरान रिजवी ने ही ताहिर को अपने घर में छिपने में मदद की थी। हिंसा के बाद से ये सभी आरोपी फरार थे, भगोड़े थे, और इसके बाद कोर्ट ने तारिक रिजवी को जमानत दे दी, जबकि रियासत और लियाकत को हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हिंसा के दौरान ताहिर के घर के छत से भारी मात्रा में पेट्रोल बम, पत्थर और गुलेल बरामद किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि अब सीधे सीधे दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन के भाई की भी तलाश कर रही है और इससे भी पूछताछ की जा सकती है। शाह आलम इसका नाम है, ताहिर हुसैन का ये भाई है, और इस पर भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को मार डाला, इसके गुंडों ने मिलकर मार डाला, और इस मामले में ताहिर हुसैन खुद को बेकसूर जरूर बता रहा हो। मामला कोर्ट में है, लेकिन आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के घरवाले, उनके पिता, उनकी मां और उनके भाई चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन और उसके गुंडों ने ही अंकित शर्मा की हत्या की। आपको बता दूं कि चांदबाग इलाके से अंकित शर्मा का शव मिला था और जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टरों का कहना था कि 400 बार चाकुओं से गोदा गया अंकित शर्मा को। तो डॉक्टरों का यह कहना था कि 400 बार अंकित शर्मा को चाकुओं से गोदा गया। आप सोचिए कि कितने बहशीपन से, कितने नृशंस तरीके से अंकित शर्मा को मारा गया होगा। और आरोप लग रहा है ताहिर शर्मा, ताहिर हुसैन और इसके भाई शाह आलम पर। दिल्ली पुलिस शाह आलम की भी जांच कर रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे खत्म हो चुके हो, लेकिन अब तक 54 लोगों की तकरीबन मौत हो चुकी है और रविवार को भी नाले से एक शव बरामद हुआ है। यानी शवों का नालों से निकलना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि नालों से शव मिलने के बाद रविवार को करावल नगर पुष्ता के पास एक युवक का शव बरामद हुआ और यहां पर कोई नाला नहीं है, लेकिन बारिश का पानी जमा हुआ था और इसमें से शव बरामद हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि यह शव 5 से 6 दिन पुराना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और युवक की मौत दंगों के दौरान हुई या किसी अन्य कारणों से, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। अगर दंगों में इसकी मौत हुई है, जिनका शव बरामद किया गया है, तो दंगों में मरने वालों का आंकड़ा 54 पहुंच जाएगा। सोचिए 54 लोगों को दिल्ली में मार दिया जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं और ताहिर हुसैन सफाइयां पेश कर रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। और अमानतुल्ला खान कहता है कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। मतलब सियासत किसी भी स्तर पर, तुच्छी सियासत करने पर ये लोग उतर आए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है और ताहिर हुसैन के साथ साथ अब शाह आलम पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस फिलहाल ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम की तलाश में है और अंकित शर्मा की हत्या मामले में शाह आलम के बात सामने आई है कि शाह आलम के होने की बात सामने आई है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने रियासत और लियाकत को हिरासत में भेज दिया, जबकि ताहिर हुसैन का जो मैनेजर था उसको जमानत दे दी गई है। हालांकि जमानत दी गई है, अभी केस से बरी नहीं हुआ है, जमानत दी है। लेकिन इस पर यह आरोप है, ताहिर हुसैन के मैनेजर पर यह आरोप है कि इसने ताहिर हुसैन को छुपाने में मदद की थी। तो मित्रों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ देशित से जुड़ी खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। साथ ही साथ इस खबर को हम आप तक लेकर आए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोग दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।